मरियम उसके अब्बा और उसके चाचा और उसकी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और उसके सरपरस्त, वो किस तरह से सारे तड़प रहे हैं। यूं लगता है कि उनको इक्तदार की कुर्सी पे नहीं, किसी ने ला के गर्म तवे पे, हॉट अवन पे बिठा दिया है। वो इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान की तारीख बदल दी है। कोई एक जुर्म ऐसा नहीं है जिसके नीचे इस 7.5 किलोमीटर के हुक्मरान और उसके ख़ानदान ने पर्चा ना करवाया हो, और कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां इमरान खान ने ये कहा हो कि मैं बीमार हूं, मुझे इलाज की ज़रूरत है, इसलिए कि पर्चा हो गया। वो मर्द का बच्चा सारी जगह पहुंचा, और जहां उन्होंने साजिश की इमरान खान की गिरफ्तारी की, मैं भी पहुंचा। और अल्लाह ताला ने, हम सिर्फ अल्लाह के आसरे और उसकी मखलूक की हिमायत के ऊपर लड़ रहे हैं, हमने हर जगह हम सुरखरू हुए हैं। और आज फिर जो कल शाम को जो कुछ किया गया वो बड़ा ख़तरनाक था, इसलिए कि पूरा पाकिस्तान बग़ैर किसी कॉल के उठ के खड़ा हो गया। तो मैं इम्पोर्टेड को बताना चाहता हूँ, तुमने देखी इमरान की ताकत, कि जब मिस्ड कॉल जाती है तुम्हारी तरफ से कि गिरफ्तारी के लिए जाओ, तो लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। कल भी यही हुआ है। तो अभी मैं पेश हुआ जस्टिस मोहसिन कियानी साहब के पास, और उनके सामने मैंने 3 गुजारिशात की। पहली गुजारिश ये है कि ये वो केस है जिसमें हमने पहले बेल ली हुई थी और कुछ जराइम का इजाफा किया गया। दूसरा ये है कि वो जराइम लगते नहीं हैं, इसलिए नहीं लग सकते कि उनमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, पर्चा बेबुनियाद है, और इमरान खान उनकी गिरफ्तारी की कल शाम से कोशिशें उन्होंने बेशुमार की हैं। कल शाम से मीडिया पूछता रहा, मैंने कहा सुबह बात करूंगा, मैं अब आपसे बात कर रहा हूं। और ये हुकूमत जिसने पाकिस्तान को डिफॉल्ट का ऐलान कर दिया है, बाकायदा अमेरिका जाके इम्पोर्टेड ने वहाँ एक प्रेस टॉक में ऐलान किया है, ये अब खाना जंगी करवाना चाहती है कि कुछ और लगे, जमहूरियत आगे ना बढ़े। लेकिन हम इनको भागने नहीं देंगे, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमरान खान की कॉल के इंतज़ार में हैं। बड़ी तादाद में वकला निकलेंगे, पूरा पाकिस्तान निकलेगा, मजदूर निकलेंगे, किसान निकलेंगे, यूथ तालिब इल्म निकलेंगे, और कॉल इमरान खान एक दिन की दें या एक घंटे की दें या एक हफ्ते की दें, पाकिस्तान की तकदीर और तारीख दोनों बदलने जा रही है। और ये जो आज का केस था, इस केस समेत जितने केस भी बनाए गए, सब में इमरान खान को अल्लाह ताला ने सुरखरू किया है। ये पंजाब का इलेक्शन हारने के बाद पागल हो गए, और पागलपन का मुजाहरा इस हद तक चला गया कि इन्होंने, वो आपने देखी ऑडियो जिसमें कह दो कि इलेक्शन आगे कर दो और इलेक्शन आगे हो गए, कह दो नोटिस जारी करो, नोटिस जारी हो जाता है, कह दो मैनेज करो, जज का नाम लेके कहा गया है, और कह दो कि इमरान के पास जो सेहत कार्ड है वो नहीं हमने चलने देना, और कह दो कि कोई तरीका निकालो पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द इमरान खान कॉल देंगे, और ये हुक्मरान जो केस पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान के खिलाफ बने, किसी दूसरे सियासी लीडर के खिलाफ इतने पर्चे नहीं हुए। जितनी अदालतों में इमरान खान गए कोई दूसरा सियासी लीडर नहीं गया। जिस तरह से हमने अदलिया की आबरू, इज्जत और तकरीम जो हमें करनी चाहिए सबको, वो हमने किया, इस तरह से कोई दूसरा सियासी लीडर नहीं कर सकता। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये काफिला आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जो केसेस करने थे कर लिए, अब केस करने की हमारी बारी है। सोमवार से हम केसेस करेंगे, और आप देखेंगे सारे केसेस इन प्लेस होंगे, सच्चे होंगे, हकायक पे मबनी होंगे। ये तोशाखाना से भागे, और इन्होंने पिछली गली जो पीडीएम का इलेक्शन कमीशन है उस वाली तलाश की है।
हम उस पर भी जा रहे हैं इनके खिलाफ इंशाअल्लाह अज़ीज़। एनी क्वेश्चन? थैंक यू।